नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप धर्मेन्द्र प्रियदर्शी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव के लिए बिहार में एनडीए के प्रचार अभियान की शुरुआत की। पटना के गांधी मैदान में आयोजित संकल्प रैली में श्री मोदी ने कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों पर देश की सेना के मनोबल को कमजोर करने का लगाया आरोप। आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में शहीद सीआरपीएफ के इंस्पेक्टर पिंटू कुमार सिंह का बेगूसराय के बखरी में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। और बंगाल की खाड़ी में बन रहे चक्रवात के कारण प्रदेश में अगले दो दिनों तक तेज आंधी के साथ बारिश की संभावना। समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों पर सेना के जवानों का मनोबल तोड़ने का आरोप लगाया है। पटना के गांधी मैदान में एनडीए की संकल्प रैली में बिहार के चुनाव अभियान की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस समेत विपक्षी दल के नेता ऐसा बयान दे रहे हैं जिससे देश विरोधियों का फायदा हो रहा है। आप सभी इस बात के साक्षी हैं कि जब हमारे देश की सक्षम सेना आतंक को कुचलने में जुटी है, ऐसे समय में देश के भीतर ही कुछ लोग क्या क्या कर रहे हैं, देश की आवाज को, हमारी सेना के हौसलों को बुलंद करने के बजाय पाकिस्तान में टीवी पर उनकी बातें, उनकी तस्वीरें दिखा दिखाकर पाकिस्तान बज रही। श्री मोदी ने पुलवामा आतंकवादी हमले के शहीदों को नमन करते हुए कहा कि समूचा राष्ट्र जवानों के परिवारों के साथ है। मैं शहीद पिंटू कुमार सिंह, पुलवामा में शहीद संजय सिन्हा और शहीद रत्न ठाकुर सहित बिहार के उन सभी शहीदों को नमन करता हूं जिन्होंने राष्ट्र रक्षा में अपने प्राण न्योछावर किए हैं। शहीदों के परिवारजनों के साथ पूरा देश खड़ा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार और बिचौलियों को खत्म करने पर लोग उन्हें गालियां दे रहे हैं और इसलिए चौकीदार को गाली देने की कंपटीशन चल रही है। आप आश्वस्त रहिए, आपका ये चौकीदार पूरी तरह से चौकन्ना है। सुरक्षा चाहे गरीब की हो या सुरक्षा देश की, देश पर बुरी नजर करने वालों के सामने आपका ये चौकीदार और हमारे एनडीए गठबंधन दीवार बन करके खड़ा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 से अब तक देश के बुनियादी ढांचे को मजबूत किया गया और मजबूती से फैसले लिए जा रहे हैं। देश की रक्षा सुरक्षा गरीब वंचित शोषित मध्यम वर्ग के हित में जितने भी मुश्किल जितने भी बड़े फैसले लेने हैं वो डंके की चोट पर लिए जा रहे हैं और आगे भी लिए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने भ्रष्टाचार और बिचौलियों की संस्कृति समाप्त की है जो दशकों से देश में सामान्य बात हो गई थी। चारे के नाम पर क्या क्या हुआ है ये बिहार के लोग बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। अब बिचौलियों से मुक्त सीधे बैंक खाते में पैसा जमा करने वाली ये प्रभावी योजना एनडीए सरकार ने, आपके इस चौकीदार ने शुरू की है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि केंद्र और बिहार सरकार राज्य के विकास के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। जिस राज्य में इतनी प्रतिभा हो, जहां के नौजवानों में इतना सामर्थ्य हो, जो देश की ब्यूरोक्रेसी से लेकर राजनीति तक अपना सकारात्मक प्रभाव दिखा रहा हो, उस बिहार को एक घूमर से निकालने का काम और यहां की एनडीए की पूरी टीम ने एक अद्भुत काम किया। बिहार में एनडीए और केंद्र में भी एनडीए होने की वजह से आज यहां विकास की रफ्तार को नई तेजी मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सऊदी अरब ने किसी भी देश के लिए हज का कोटा नहीं बढ़ाया, लेकिन भारत के अनुरोध पर हज कोटे को बढ़ाकर 2 लाख कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब ने अपनी जेलों में कैद 850 भारतीयों को भी रिहा करने का फैसला किया है। एनडीए की रैली को संबोधित करते हुए जदयू अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विकास के बारे में प्रधानमंत्री के उद्देश्य की सराहना की। जो
बिहार की प्रगति के लिए हम लोगों का फिर से अलायंस हुआ, यह बिहार के हित में हुआ। बिहार के विकास के सिलसिले में केंद्र सरकार का व्यापक सहयोग प्राप्त हो रहा है, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम लोगों की प्रतिबद्धता है न्याय के साथ विकास के प्रति, और न्याय के साथ विकास का मतलब है समाज के हर तबके का विकास और हर इलाके का विकास। लोक जनशक्ति पार्टी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने केंद्र में स्थिरता और कल्याण केंद्रित छवि वाली सरकार के लिए प्रधानमंत्री की सराहना की। आज हमें इस बात का खुशी है कि जो काम 70 साल में नहीं हो सका आपने 5 साल में करके दिखा दिया। एक परिवार को रहने के लिए घर चाहिए, छत चाहिए, और अभी तक जो है 1.5 करोड़ घर गरीब को दिया जा चुका। आज जो है 98% घर में शौचालय की व्यवस्था हो चुकी। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, रामकृपाल यादव, जदयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह, लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने भी लोगों को संबोधित किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के शहीद इंस्पेक्टर पिंटू कुमार सिंह का आज बेगूसराय के बखरी प्रखंड के ध्यानचक्की गांव में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस अवसर पर सीआरपीएफ के जवानों ने उनके पार्थिव शरीर को सलामी दी। इससे पूर्व सेना के हेलीकॉप्टर से शहीद अधिकारी के पार्थिव शरीर को बेगूसराय लाया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि इंस्पेक्टर की शहादत को देश हमेशा याद रखेगा। बंगाल की खाड़ी में बन रहे चक्रवात के कारण प्रदेश में अगले 2 दिनों तक तेज आंधी के साथ बारिश की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों ने कहा है कि इस दौरान हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। पिछले 48 घंटों के दौरान पश्चिम और उत्तर से आ रही ठंडी हवाओं के कारण राजधानी पटना सहित प्रदेश के अधिकांश जिलों के तापमान में कमी आई है। आज राजधानी पटना सहित वैशाली, समस्तीपुर और भोजपुर जिले के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश रिकॉर्ड की गयी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कल पटना में जदयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई है। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और अधिकारियों के साथ लोकसभा चुनाव में सीट चयन पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में लोकसभा चुनाव में बिहार की सभी 40 सीटों पर एनडीए की जीत सुनिश्चित करने की रणनीति भी बनाई जाएगी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाशिवरात्रि के अवसर पर कल इस बार के कुंभ का अंतिम शाही स्नान होगा। प्रशासन की ओर से इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अब तक 22 करोड़ से अधिक श्रद्धालु पवित्र संगम में डुबकी लगा चुके हैं। विश्व के सबसे विशाल धार्मिक आयोजनों में से एक कुंभ मेला इस वर्ष 15 जनवरी को मकर संक्रांति पर शुरू हुआ था। रेल पटरियों पर चल रहे तकनीकी कार्यों के कारण झाझा पटना दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से होकर चलने वाली ट्रेनें कल तक परिवर्तित मार्ग से चलेंगी। पूर्व मध्य रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि अप और डाउन ब्रह्मपुत्र मेल, विक्रमशिला एक्सप्रेस समेत 14 ट्रेनों के मार्ग में परिवर्तन किया गया है। वैशाली जिले के राजापाकर थाना क्षेत्र के वीरपुर गांव में करंट लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं भागलपुर जिले में 0 माइल थाना क्षेत्र के रानी तालाब गांव के पास राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या 80 पर ट्रक की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। नगर परिषद शेखपुरा के 15,000 घरों से आगामी 8 मार्च से कचरा उठाने का काम प्रारंभ किया जाएगा। बीआरए बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर के स्नातक पार्ट 2 की परीक्षा के लिए 13 मार्च तक अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। शेखपुरा में आयोजित पहली श्यामा देवी मेमोरियल महिला फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल में मुंगेर की टीम ने बोकारो को 1 गोल से हरा दिया। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव के लिए बिहार में एनडीए के प्रचार अभियान की शुरुआत की। पटना के गांधी मैदान में आयोजित संकल्प रैली में श्री मोदी ने कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों पर देश की सेना के मनोबल को कमजोर करने का लगाया आरोप। आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में शहीद सीआरपीएफ के इंस्पेक्टर पिंटू कुमार सिंह का बेगूसराय के बखरी में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। और बंगाल की खाड़ी में बन रहे चक्रवात के कारण प्रदेश में अगले 2 दिनों तक तेज आंधी के साथ बारिश की संभावना। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। This is All India Radio, the news read by V.C. Pramod. Prime Minister Narendra Modi today launched 17 development projects worth 538 crore rupees at Amethi in Uttar Pradesh. These projects include a factory to manufacture AK-203 rifles, the latest version in the Kalashnikov series with Russian collaboration. Later, addressing a rally there, the Prime Minister said, "These rifles will help our security forces to tackle terrorists and Naxals more effectively." He said the Ordnance Factory will also create employment opportunities for the youth.
Attacking the opposition, the Prime Minister said, our armed forces asked the then government in 2005 to meet their demand for modern weapons. He said a foundation stone was also laid for a factory to manufacture modern weapons in Amethi in 2007, but till 2010, the then government could not decide what type of weapons would be manufactured there. He said, it is the NDA government which finally came forward to meet the demand for modern weapons for the armed forces. The Prime Minister said, likewise, the previous government at the centre also overlooked the demand for bulletproof jackets for our jawans. But it is the NDA government which supplied bulletproof jackets to our brave jawans. The Prime Minister, Modi, also called for a united India to fight against terrorism. He targeted the opposition for not standing united in the face of terrorism. Mr. Modi was speaking after kick-starting the NDA's Lok Sabha election campaign in Bihar today. Addressing Sankalp rally at Patna's Gandhi Maidan, the Prime Minister said, opposition say Modi should be finished, but he wants them to come together to fight terrorism. He also lashed out at the opposition for questioning the government over the Balakot airstrike. Mr. Modi asked as to why Congress and its allies are demoralizing the forces and giving statements which are benefiting the country's enemies. Finance Minister Arun Jaitley today hit out at opposition parties, saying they made statements that hurt India's national interests after Indian Air Force's counter-terror operation in Balakot. He said the opposition is entitled to oppose and ask questions, but restraint and statesmanship are also essential. In a Facebook post, Mr. Jaitley pointed out that when the entire nation was speaking in one voice and standing by the armed forces, opposition parties were making statements which became instruments in Pakistan's hands to discredit India's operation against terrorism. The Samjhota Express will leave for Pakistan from Delhi tonight after the two neighbours agreed to operationalise services at their ends. The announcement came a day after Wing Commander Abhinandan Vardhaman returned home from Pakistan. The scheduled departure time of the train from Old Delhi station is 11:10 p.m. India had cancelled the operations of the express on Thursday. The train runs from Delhi to Attari on the Indian side and from Lahore to Wagha on the Pakistan side. In Jammu and Kashmir, three CRPF and two state police jawans have been martyred and two terrorists killed in a nearly three-day-long encounter in Kupwara district. At least nine security personnel were injured. A protester has also been killed in the clashes. The gun battle, which broke out on Thursday between security forces and terrorists at Babangud Langat area of Handwara, ended today. The Sangam is all set to witness the last dip of the Kumbh Mela on Mahashivaratri tomorrow after more than 22 crore devotees took a holy bath at Prayagraj in Uttar Pradesh. The day symbolizes the last holy bath of the Kalpavasis and is directly related to Lord Shiva. Mahashivaratri marks the culmination of the Kumbh and the prominent bathing days. The Kumbh Mela, one of the largest religious gatherings in the world, began on the 15th of January on Makar Sankranti. A centre for disability sports will be set up at Gwalior in Madhya Pradesh. Social Justice and Empowerment Ministry said the centre will ensure effective participation of persons with disabilities in sports activities and also enable them to compete at national and international levels. In Afghanistan, at least 20 people have died in flash floods in southern province of Kandahar. The UN Office for Coordination of Humanitarian Affairs said the victims lost their lives when their homes collapsed or the vehicles they were travelling in were swept away. India star wrestler Bajrang Punia has won a gold medal in the 65-kilogram freestyle in Bulgaria. The tournament, Dan Kolov Nikola Petrov, was held in Rus. Punia dedicated the victory to Indian Air Force Wing Commander Abhinandan Vardhaman, from whom Punia said he caught inspiration. In a tweet, Punia expressed his desire one day to meet Wing Commander Abhinandan and shake hands with him. And that is the end of this news bulletin.